क्या आप कभी अपने माँ बाप के बगैर जी सकते हैं? कुछ लोग ये भी बात बोल सकते हैं इस वक्त कि हम अभी भी अपने माँ बाप के बगैर जी रहे हैं, क्योंकि उनकी माँ नहीं है इस दुनिया में, उनके पिताजी नहीं है इस दुनिया में। ये एक सच्चाई है कि जो आया है उसको जाना तो है ही, पर जिससे हम लोग इतने ज्यादा दिल से अटैच होते हैं, कभी भी हम नहीं सोच सकते कि वो कभी भी हमसे दूर जाएंगे। देखिए, आज घर में जो है एक इमोशनल सी चीज हुई, जो कि एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा। श्रुति का बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई और शहजादा की ये इमोशनल बातें सुन के वो अपने ऊपर ले गई और उसने इमेजिन किया कि अगर उसके माँ बाप उसके दुनिया में नहीं रहे तो वो आखिरकार क्या करेगी, वो भी मर जाएगी। वो आज भी अपने मम्मी पापा की गोद में बैठती है और आज भी उसको ऐसा ही लगता है कि वो बहुत छोटी है। और जैसे ही शहजादा ने ये बातें बोलनी शुरू की, उसके बाद ही इमोशनल जो है होते हुए श्रुति का नजर आए। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि वो माँ बाप के बगैर जिए, पर जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। आप लोगों से मैं बस आज एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मम्मी पापा करके कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपने माँ बाप को, सब लोग ही करते हैं, तो जरूर कीजिए कमेंट। और तो और, जिनके मम्मी पापा उनके साथ नहीं है या इस दुनिया में नहीं है, क्या है उनकी स्टोरी, क्या हुआ था आपके मम्मी को, क्या हुआ था आपके पापा को, बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। तो गाइस, शहजादा बोलता है कि उसके पिताजी बहुत ही मतलब मस्त, उसने पहले भी अपने पिताजी से रिलेटेड जो है एक स्टोरी सुनाई थी, जो कि मतलब कि एक्सीडेंट की स्टोरी थी। अब जो है उन्होंने ये चीज बताया कि एक दिन ऑफिस से कॉल आया और ऑफिस के स्टाफ ने कॉल किया और मैंने उठाया फोन और मुझे पता चला कि पापा को हार्ट अटैक हो गया है। मैं फटाफट बाइक लेके गया, मेरे बड़े भाई को बताया और वहां पर जाके देखा, उनको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके गए और वहां पर जो है हमने उनका ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया। वो एकदम सुन्न पड़ चुके थे, उनको शॉकिंग ट्रीटमेंट जो है वो दिया गया और जिसके बाद जो है उनकी हार्टबीट जो है वो चलने स्टार्ट हुई। और उसके बाद जो है डॉक्टर ने ये बात बोला कि 24 घंटे में अगर ये कुछ रिएक्ट करते हैं, बोलने लग जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये कोमा में जा सकते हैं। बट कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद जो है पापा को होश आया, पर पापा सब सुन रहे थे, महसूस कर रहे थे, पापा पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और 3 महीने इवन डॉक्टर ने हार मान दी और डॉक्टर ने बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इनको घर लेके जा सकते हैं। तो हमने 3 महीने तक अपना होप रखा और पापा को जो है हॉस्पिटल में ही रखा कि उनकी ट्रीटमेंट चले, पर उसके बाद जो होना था वो तो हो ही गया, पापा जो है इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये जिस वे में वो बातें बताते हैं, अपनी जो इमोशनली चीजें वो बता रहे थे शहजादा, उसके बाद जो है श्रुति का को बहुत ज्यादा हर्ट हो गया। सीरियसली हम कभी कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मेरे भी मतलब कि मेरे फैमिली में भी मतलब कि मेरी मम्मी ही हैं जो मेरी मम्मी खुद है और मेरे पापा भी वो ही हैं, मेरी पूरी दुनिया ही वो है। अगर उनके बगैर अगर मैं इमेजिन भी करूं कि वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो बस यही बात सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा, मैं अकेली रह जाऊंगी और पता नहीं उसके बाद मेरा क्या होगा, मैं जी भी पाऊंगी या नहीं जी पाऊंगी। बट इसीलिए एक चीज बनाई है ना ऊपर वाले ने कि आप एक फैमिली में शादी करते हो, आपका पति होता है, आपके बच्चे होते हैं, जो आपके माँ बाप होते हैं जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, आपको पीछे रोकने वाले कुछ और रिश्ते होते हैं, आप किसी की माँ बन जाते हो, आप किसी के पिता बन जाते हो, उनके लिए आपको जीना पड़ता है। तो यही है सर्कल जो कि हम लोगों को निभाना पड़ता है। तो अब जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।